यूरेनियम नाभिक में, सवाल सुनिएगा, दो प्रोटॉन 6×10^-15 मीटर की दूरी पर हैं, इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ। ये एनसीईआरटी सवाल है और मस्त सवाल है, ध्यान सुनिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। दो प्रोटॉन माने सुष्मी जी, दोनों आवेश के रूप में प्रोटॉन है और प्रोटॉनों पर आवेश 1×10^-19 कूलम होता है। इनके बीच की दूरी दिया है सुहाना, इनके बीच की पारस्परिक दूरी दिया हुआ है 6×10^-15 मीटर, माने ये दोनों का 6×10^-15 मीटर की दूरी पर है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है, जैसा कि सुष्मी जान रहे हो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सूत्र बताए हैं, 9×10^9 Q1 Q2 R। कई बार बता चुके कि ये अभ्यास सूत्र डिपेंडेंट है, सूत्र याद रहेगा तुरंत सवाल आ जाएगी। आगे देखिए, 9×10^9 Q1 की जगह 1.6×10^-19, Q2 की जगह 1.6×10^-19 अपान R 6×10^-15। सभी को पहाड़ा उम्मीद है आता होगा। 6.5×9 और आगे देखो सुष्मी, 1.5 16 में 256। तो यहाँ गौर फरमाइएगा, 15 ऊपर गया, 15×9 = 24, 19×19 = 38, 38 में 24 गए। क्या 15 का पहाड़ा पढ़ा जाए, 15×6=90, 9×15=77, 9×84=8, 15×2=3, 8×8=3, 2×3=1 और ये 10^-14 जो इस दौरान था। मिस सुहाना एनी डाउट करो, जाया करो। अगला सवाल पढ़ रहे हैं, देर से आते हो। 1×10^-6 और -1×10^-6 के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेमी की दूरी पर है। यहीं पर अपना ब्रेन लगाओ, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हो, जैसे 1×10^-6, 1×10^-6 दोनों आवेश बराबर है कि नहीं, तो इसका मतलब ये वैद्युत ध्रुव की सवाल है और इनके बीच की दूरी को 2L से लिखा जाएगा। शुभम सरोज यहाँ ध्यान दो, 1×10^-6 कूलम का एक आवेश है, कोई दिक्कत, और इनके बीच की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर की। बीच की दूरी आवेशों की 2L से लिखी जाती है, कै सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2×10^-2 मीटर। आगे बढ़ो, यह वैद्युत ध्रुव 1×10^5 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में, 1×10^5 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है। ध्यान दीजिएगा, स्थित ध्रुव की स्थायी अवस्था में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो पूछ रहा है, पहले हम पी निकालते हैं, पी का सूत्र क्या होता है, अमिता यादव होता है, क्यों की जगह 2L की जगह, गुणा करो 2×1=6×2 कूलम मीटर। और गौर फरमाइएगा ध्यान से, स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा −PE cos θ, वैद्युत ध्रुव की स्थिति जो सूत्र यही है, स्थायी अवस्था में माने अक्ष की दिशा में थीटा 0 हो जाएगा। देखो जरा सुष्मी, पी की जगह 9×10^-8, ई की जगह 1×10^5 cos 0। आगे बढ़े, फोटो 2×10^-3 जूल, फोटो नामक मलेशियन भी होगा। तीसरा सवाल,
पढ़ते हैं हम, उसकी प्लस 3 म्यूसी व माइनस 3 म्यूसी के दो आवेश परस्पर 2×10⁻³ मीटर की दूरी पर है। वैद्युत दूर बन रहा कि नहीं? दिया है आवेश 3 माइक्रोकूलम और बहरीन जी दोनों के बीच की दूरी 2L। आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है? ये दिया है। अब आप जो है और जो दिया लिया है पूछो। कह रहा है वैद्युत दुधुर से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षी प्रतिबिंब, पहले P निकाल दें। P बराबर क्या होता है? क्यों की जगह 2L की जगह 6×10⁻⁹ कूलम मीटर। इसलिए कौन से स्थिति में कह रहा है? निरक्षय स्थिति में विभव आपको याद होना चाहिए बच्चों, 0। पहला पार्ट निरक्षय स्थिति विभव 0 हो गया कि नहीं? अब अगर ये दुधुर है ऐसे और निरक्षय स्थिति इस तरह से है, दुधुर को 90° घुमा दो ऐसे, तो दुधुर की स्थिति में आ जाएगा बिंदु कि नहीं? दुधुर वैसे है और बिंदु इधर है, घुमा दो 90°, तो माने अच्छी स्थिति बन जाएगी कि नहीं? सवाल आगे पढ़ो। कह रहा है कि दुधुर को 90° घुमा देने पर विभव, तो माने अब अच्छी स्थिति बन जाएगी। दुधुर को 90°, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छी स्थिति बनेगी, इसलिए विभव सुहाना दुधुर कारण अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र क्या होता है? 9×10⁻¹ कोई डाउट? 9×10⁻¹ पी की जगह 6² 0.6 मीटर की दूरी पर। सवाल कहा है? कहा है 0.6 मीटर की दूरी पर? 9×10⁻¹⁶ हटाया गया, 9×4 से का भाग है 1.5 का भाग। अगला सवाल देखो, मजा लेते रहो बराबर। ये वाली सवाल एनसीईआरटी सवाल है जो बताने जा रहे हैं और अच्छी सवाल है। धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेमी और 8 सेमी है। प्यारे बच्चों सवाल नंबर 19, दो गोलों के व्यास कितना कितना दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है कि नहीं? हमसे पूछो, व्यास की आधी होती त्रिज्या। कह रहा है इन्हें समान विभव तक आवेशित करने पर पिछगणन, माने इन्हें आवेश समान दिया गया। क्या समान दिया गया? क्या पूछ रहा है? पृष्ठ घनत्व में अनुपात σ1:σ2। दो गोले हैं, गोली चालक और चालक गोलों के पृष्ठ घनत्व सूत्र क्या होता है? q/4πr² क्या होता है? 4πr² q/4π। कछु कट रहा है क्या? q और 4π कट रहा है अंकित, क्यों कट गया? 4π 4π 1/अंकित r1² 1/अंकित मान लेते। चलिए 1/r1 r2 3616 का लघुत्तम ले लीजिए।
क्या होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। 144 36 और 16 का लघुत्तम 144 से दोनों गुणा कर किससे। अब वही सो के जागे ना रे वाली माँ आई हो सावित्री। सोलह 144 हो गया। ऐसा बांधो समझ गया है। हाँ देखो अगला सवाल, समान द्रव्यमान के, ध्यान सुनो, समान द्रव्यमान के शिवांशु यम यम द्रव्यमान समान है, दो आवेशित कण पर प्लस क्यू और प्लस चार क्यू का आवेश है, इन्हें एक समान विभवांतर विभव समान है से गिरने दिया जाता है, चालों में अनुपात बताओ। इधर देखो जरा, उनेसा क्या नाम है सुषमी, चाल में अनुपात बीवन अनुपात है, चाल में अनुपात सुहाना आवेशित कणों की चालों में अनुपात। चले चाल का सूत्र याद करो, सुहाना को याद नहीं आ रहा है। अंडर रूट टू क्यू बी वाई, अंडर रूट दो गुणे क्यू गुणे बी वाई एम, दोनों कण का द्रव्यमान समान है, आवेश पहले कण का आवेश क्या है क्यू कूलम, ठीक है, दोनों समान विभवांतर से दौड़ रहे हैं, विभव भी है अनुपात। दूसरे कण का आवेश क्या है चार क्यू, समान विभव भी है समान है द्रव्यमान भी समान है। देखो जरा सुष्मी क्या कट गया, दो कट गया क्यू कट गया बी कट गया एम कट गया, दो क्यू बी एम पूरा कट गया, एक अनुपात है अंदर दो क्यू बी एम कट गया चार, यकीन करो समझ रहे सब कट पिट गया। दो बिंदु आवेश 8 म्यूसी व 12 म्यूसी एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर रखे हैं हवा में, इनके बीच की दूरी 6 सेमी करने के लिए किया गया कार्य बताओ। पहले दोनों कितने दूरी पर थे, अब कितने दूरी पर हो गए, माने अब दूरी कम हो गई। जब दोनों कर पहले 10 सेमी की दूरी पर थे तो उनके बीच ऊर्जा रही होगी कि नहीं, और अब दूरी कम हो गई तब भी ऊर्जा है, ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा वही कार्य, ठीक है बात समझ गई। दोनों में पहले जो ऊर्जा थी अब जो ऊर्जा है, ऊर्जा घटे या बढ़े जो भी ऊर्जा का परिवर्तन होगा वही जो है किया गया। तो देखो कृत कार्य बराबर डेल्टा यू माने U2 माइनस U1 ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 9×10^9 Q1 Q2 / R2 आवेश दोनों वही है, दूरी बदल रही है। देखो पहले दूरी 10 सेमी थी, बाद में दूरी कितना हो गई, तो केवल क्या बदल रही है आवेश तो वही है दूरी बदल रही है। कछु काम ले अवनीश, 9×10^9 Q1 Q2 1/R2 9×10^9 आवेश कितना है 8 और 12 8×10^-6 12×10^-6 और बाद में दूरी कितना हो गई 6 सेमी, पहले कितना थी कैलकुलेशन अपना अपना तरीका है। 12 9 108 8 864 9 6 12 नीचे 10^-2 बाहर ले आओ एमएस क्या खाओ बोले पता रहो
864 तीन मजदूर गए, एक एक अंक दशमलव लगा दिए, तीन मजदूर गए एक अंक दशमलव लगा दिए, छाप उत्तम छतीस दस किया छियासी दशमलव चार पूरे एक बटा पंद्रह, ये कैसे पाए? दो से भाग दे दिए, सुहाना जानकार है। पंद्रह पचे पचहत्तर एक सौ चौदह, पंद्रह सत्ते एक सौ पाँच, नौ पाँच सत्ते नब्बे, इट्स ओके। बतिया तो फिर लगाओ सवाल। निधि हो जा, पांच गुणे दस घात माइनस सात तथा माइनस पांच गुणे दस घात माइनस सात के दो बिंदु आवेश, इसका मतलब बेटा यहां पर जो है आवेश दिया हुआ है वैद्युत धुर की रचना वाला, परस्पर एक सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप सभी जानते हो आवेशों के बीच की दूरी दो एल से लिखी जाती है, एक सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। पूछ रहा है इन आवेशों से बने वैद्युत धुर की अक्ष पर केंद्र से 50 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर, निधि 50 सेमी माने आधा मीटर, क्या बताना है? अक्ष पर बने कौन सी स्थिति है? अच्छी स्थिति। हाँ तो ओझा जी, नौ गुणे दस घात नौ, क्या सूत्र होता है? पी अपान आर स्क्वायर, ईश्वर का नाम लेते हुए नौ गुणे दस घात नौ, क्यू इंटू टू एल और बैठ रहते हैं नौ गुणे दस घात नौ, क्यों टू एल आर स्क्वायर, ओके चलिए, एक बटा दो का स्क्वायर, चार पंच बीस, नौ आई नौ में सात गए, दो से दो गए मुच्छ, इसी के साथ ये